press the bell icon on the YouTube app for more updates. Hey everyone, welcome back to my channel जिसका नाम है Lovely You और मैं हूँ अनुप्रिया। आज की वीडियो एक requested वीडियो है, ये मुझे करने के लिए कहा था पलक सचदेवा ने। वो चाहती थी कि मैं हैवी हेयर ऑयलिंग करूँ, वो भी कोकोनट ऑयल। हमारे स्कल्प को मॉइस्चराइज करता है, हमारे हेयर को स्प्लिटिंग से बचाता है, डैंड्रफ से हमें दूर रखता है और इसके बहुत ज़्यादा और ज़्यादा फ़ायदे हैं आपके हेयर केयर के लिए भी और आपके स्किन केयर के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं सिर्फ कोकोनट ऑयल से करूँ, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करने वाली हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं अपनी हेयर ऑयलिंग कैसे करती हूँ तो कीप ऑन वॉचिंग। सबसे पहले इसके लिए चाहिए हमें कोकोनट ऑयल। हम हैवी हेयर ऑयलिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कोकोनट ऑयल तो चाहिए ही होगा। या मैंने पैराशूट कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया है। मैंने अपनी लेंथ, बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग 4 से 5 चम्मच कोकोनट ऑयल लिया है। आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग क्वान्टिटी ले सकते हैं। इसके बाद मैंने लिया है 3 से 4 विटामिन ई के कैप्सूल। विटामिन ई एंटी ऑक्सीडेंट है जो हमारे डैमेज्ड बालों को रिपेयर करने में फ़ायदेमंद है और ये हेयर ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब मैंने इस मिक्सचर को 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में हीट कर लिया है। अब अपने बालों को सेंटर से पार्टीशन करके इस मिक्सचर को अपने बालों में लगा रही हूँ। इसे लगाने का कोई मेरा पर्टिकुलर कोई तरीका नहीं है। मैं जस्ट अपने बालों को पार्टीशन करके स्कल्प पे इसे अप्लाई करती हूँ। मैं जितना ऑयल हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल जो है वो स्कल्प पर लगाना पसंद करती हूँ और इक्वल बालों को इक्वल पार्टीशन करके उसके बीच में ऑयल अप्लाई करती हूँ। क्योंकि हेयर ग्रोथ जो होता है वो सिर्फ स्कल्प से होता है, रूट से होता है, ना कि लेंथ से होता है। इसलिए मैं लेंथ पर हल्का हल्का ऑयल लगाना पसंद करती हूँ और अपने स्कल्प पर ज़्यादा लगाना पसंद करती हूँ। और जब ऑयल पूरे तरीके से पूरे हेड पर स्प्रेड हो जाए उसके बाद मैं अपने हेड को मसाज देती हूँ 5 से 10 मिनट तक, जैसा कि वीडियो में आगे दिखाया गया है। क्योंकि मसाज करने से हम रिलैक्स फील करते हैं और ये स्ट्रेस बस्टर का भी काम करता है। आप जब हेयर ऑयलिंग करते हैं तो आप अपने माइंड को जो है वो रिलैक्स रख सकते हैं। आप जितना हो सके उतना अपने हेड को मसाज दीजिए। मैं 10 मिनट देती हूँ, आप 15 मिनट भी दे सकते हैं। अच्छे से चम्पी कीजिए और रिलैक्स फील कीजिए और अपने बैक साइड के स्कल्प को चम्पी करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और अच्छे से मसाज दीजिए, मसाज 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 दीजिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप जैसा चाहें वैसे अपने बालों को मसाज कर सकते हैं। इसकी कोई पर्टिकुलर टेक्निक नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है या वैसे ही करना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको नेल्स के अलावा आपको सिर्फ अपनी फिंगर टिप से ही मसाज करना है। अब मैं अपने फोरहेड को भी मसाज दे रही हूँ, रिलैक्स, अपने आप को रिलैक्स फील कर रही हूँ। आप भी ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्स फील करवाएंगे और ये स्टेप्स जो हैं ब्लड सर्कुलेशन को भी इंक्रीज करते हैं। आपको बस अपनी माथे से लेकर एंड तक अपने फिंगर्स को ज़ोर से प्रेस करके स्ट्रेस करना है, स्ट्रेच करना है और अपने हेड के ऊपर हल्का हल्का हल्के हाथों से मसाज करना है। इससे आपके ब्लड का जो है वो सर्कुलेशन बढ़ेगा और हेयर ग्रोथ में फ़ायदा होगा। जब आप मसाज कर लें उसके बाद अपने बालों में कॉम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे जो है जो डस्ट है वो थोड़ी बाहर आ जाएगी और जितना हो सकता है उतना ब्लड सर्कुलेशन आपके बालों में होगा। और जब कॉम हो जाए उसके बाद मैंने अपने बालों को एक बन में बांध दिया है और 1 घंटे के लिए इसे छोड़ दिया है। 1 घंटे बाद मैं अब हेड वॉश कर लूँगी। आप चाहें तो इसे 1 घंटा रखकर हेड वॉश कर सकते हैं या फिर ओवरनाइट रखकर नेक्स्ट डे अपना हेड वॉश। दोनों में ही फायदेमंद है। अगर आप इसे हफ्ते में 2 बार करते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको हेयर लॉस में फायदा होगा। इस हेयर केयर रूटीन के साथ साथ आप अच्छा खाएं, खूब सारा पानी पीजिए, खूब सारी एक्सरसाइज कीजिए और सारी नींद लीजिए। मिनिमम 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्ट्रेस तो बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए
और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपकी और कोई रिक्वेस्ट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लीजिएगा। आप मुझे सभी सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट और फेसबुक पर भी अवेलेबल हूँ, और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।